आधार कार्ड के न्यू पोर्टल लॉन्च हो गया है। मैं आपको न्यू पोर्टल से ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है तो अपने नाम को किस तरीके से आप आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप सही कर सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका आधार कार्ड में नाम गलत है, वो जो है इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं या जो है वो पर्सन आधार सेंटर पर जाके नाम चेंज करवाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए है वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही ईजी तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है नाम सही कर सकते हैं। तो कैसे आप अपना नाम आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से करना है ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को भैया लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे इस तरीके से आप जो है आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप किस तरीके से आधार कार्ड में किस तरीके से आप जो है नाम सही कर सकते हैं, नाम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप न्यू पोर्टल से अगर आपके आधार कार्ड में नेम गलती है, नाम गलती है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI। यहाँ पे जैसे टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए UIDAI.gov.in का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो UIDAI का यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि myaadhar.uidai.gov.in क्लिक कीजिएगा डाल के तो आपके सामने यही पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ ओके वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपके जो है आधार कार्ड के न्यू पोर्टल पे ओपन कर देगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लॉगिन होना है तो लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज जो है ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे कैप्चा अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कैप्चा को आप जो है रिफ्रेश करेंगे तो कैप्चा आ जाएगा। यहाँ पे अपना जो आधार नंबर डालेंगे या कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, जैसे मेरे केस में यहाँ पे OTP आ चुका है। देखिए कि आपको जो है एक मिनट का टाइम दिया जाएगा, वो आपके एक मिनट में यहाँ पे OTP आपको डाल देना है, नहीं तो आपका जो है OTP एक्सपायर हो जाएगा और आपको OTP फिर से डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए डाल चुका हूँ, यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आप न्यू पोर्टल पे जाके आप यहाँ पे ओपन हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग हो के यहाँ पर जो है आप जो है न्यू पोर्टल पे ओपन हो चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं कि आइकन बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो आधार कार्ड यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करके आप बैक साइड का देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर फ्लिप आधार पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आप जो है बैक साइड आ जाइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपडेट आधार ऑनलाइन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नेम का ऑप्शन है, यहाँ टू टाइम जो है नाम जो है करेक्शन कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन स्टेप में जो है आपका नाम सुधार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप नेम पर व्यू आप पेमेंट, तो यहाँ पर आपको जो नाम है वो नाम आ चुका है, और जो नाम रखना चाहते हैं न्यू नाम वो आपको न्यू नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो यहाँ पर जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पर देखिए पेंशन फोटो कार्ड, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको जो भी है इसमें आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपको वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे चलिए यहाँ मैं वोटर आईडी चूज कर लेता हूँ और जो भी नाम है आपका यहाँ सही नाम डाल देंगे। यहाँ पर देखिए नाम आ चुका है इंग्लिश और हिंदी में, यहाँ पे वोटर आईडी। अब वोटर आईडी आप जो अपलोड भी करना पड़ेगा तो व्यू डिटेल वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ कंटिन्यू टू अपलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा, और जहाँ भी आपको जो वोटर आईडी रख रखे हैं वो आपको वोटर आईडी आपको इसमें चूज कर लेना है।
जैसे देखिए मेरा यहाँ पर वोटर आईडी है, मैं यहाँ वोटर आईडी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ ओपन वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि 2 MB से ज़्यादा का नहीं सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप जो है देखिए डॉक्यूमेंट जो है लेस देन 2 MB, 2 MB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि मैं डॉक्यूमेंट जो वोटर आईडी अपलोड कर दिया हूँ, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको पर भी यहाँ पर जो है दूसरा स्टेप में शो होगा, और तीसरा स्टेप में जो है आपको पेमेंट वाले पे जाके ओपन करेगा। यहाँ पर देखिए कि पर भी आपको शो हो रहा है कि क्या क्या नाम है। इसके बाद क्या करना है, टर्म को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले आके यहाँ पे ओपन करेगा। यहाँ से जो है आपको पेमेंट जो है कटाना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये जो आपका नाम सुधार कर रहे हैं वो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि आप जो है 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि आपके अकाउंट से 50 रुपये कटेगा, और यहाँ पर जो है कार्ड्स, नेट बैंकिंग वॉलेट और जो है पेटीएम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ कार्ड वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर जो है एक्सपायरी मंथ और ये डालेंगे जो कार्ड पर लिखा रहता है। यहाँ CVV नंबर डालेंगे और कार्ड पर जो नाम है वो डाल के यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ प्रोसीड वाले पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका जो है ये यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो भी गलत नाम है वो आपका नाम जो है हट के जो भी नाम आप यहाँ से चेंजिंग किए हैं वो आपके आधार कार्ड पर आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ जो है न्यू पोर्टल से आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है आप आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से अपने आधार कार्ड में नेम मतलब नाम को जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में ये तो सीख ही लिया होगा किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है नाम कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।